हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में 11th और 12th मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों, तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और कॉलेज में काम आएगी। तो और इंग्लिश मीडियम वालों, तुम सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस करना। तो दोनों लैंग्वेज में मैं तुम्हें मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, लास्ट क्लास में कर लिया था अपने 5.5 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। 5.5 कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा था पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे। तो आज की हेडिंग है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलज। अब ये प्राचलिक क्या होता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म बताता हूँ तुम्हें क्या होती है। इससे जस्ट पहले, पैरामेट्रिक फॉर्म बताने से पहले, अपन ने पढ़ा क्या था, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन, अस्पष्ट फलन और स्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़े थे। क्या होते थे ये, उनको रिवाइज करवाता हूँ वापस। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या थे, अस्पष्ट फलन। ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को अलग अलग नहीं कर सकते थे, उस टाइप के फंक्शन क्या होते थे, इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। और ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को अलग अलग कर सकते हैं, वो क्या होते थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन। एग्जाम्पल क्या था, जैसे y इक्वल टू साइन x, x फंक्शन अलग है, y अलग है, ये कौन सा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना, स्पष्ट फलन। और इम्प्लिसिट क्या होगा, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, क्या इसमें x और y अलग अलग हो सकते हैं, नहीं। तो इस टाइप के फंक्शन, इस तरह के फलन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। x और y अलग अलग कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन या स्पष्ट फलन। अब नया डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। यानी कि ये ना तो इम्प्लिसिट है ना एक्सप्लिसिट है, ये कुछ अलग है, अलग मतलब। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन, और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर एक वेरिएबल होता है। प्राचल क्या होता है, एक वेरिएबल, समझते हैं कैसे। मान लो तुम्हारा कोई एक्स फंक्शन है जो टी की फॉर्म में, फंक्शन किसका है, टी का, एक्स क्या है, टी का फलन है, एक्स क्या है, टी का फंक्शन है। वाई मान लो वो भी टी का फंक्शन है, तो एक्स को मैंने लिख दिया एफ टी, फंक्शन ऑफ टी, वाई क्या है, जी टी, मतलब फंक्शन किसका, टी का। यानी x और y एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। x t से रिलेटेड है, y t से रिलेटेड है, तो कुल मिलाकर x और y एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन किसी तीसरे वेरिएबल द्वारा, और वो तीसरा वेरिएबल t है। इसी को ही कहते हैं पैरामीटर या प्राचल। यहाँ t क्या है, एक पैरामीटर है, एक प्राचल है, एक वेरिएबल है, यानी जो चेंज हो सकता है। वापस बोल रहा हूँ, x और y एक दूसरे से सीधे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। अपन सीधा कहते हैं ना y बराबर x स्क्वायर प्लस x, तो y x से डायरेक्ट रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है, x एक t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो x और y एक दूसरे से रिलेटेड है किसी t के द्वारा, कि ये भी t का है, ये भी t का है, कि अल्टीमेटली x और y t में है, तो t से रिलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कर देना, क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी, एक्स टी का फंक्शन है तो x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना, x को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, बराबर एफ टी का अवकलन, एफ डैश टी, एफ टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। वैसे ही y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, और y किसका फंक्शन है, t का, इसलिए dy वाई बाई डी टी, और gt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश टी। एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता था, ft का एफ डैश टी, gt का g डैश टी। हमें तो dy वाई बाई डी एक्स चाहिए ना,
हमें तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन चाहिए। कैसे चाहिए? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का एक ही तरीका है, दिख रहा होगा कि अगर डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स बाई डी टी का डिवाइड कर दूं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। कैसे? देखो, डी वाई अपॉन डी टी में किसका डिवाइड कर दूं? डी एक्स बाई डी टी का, यानी इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन वन कर दिया मैंने। तो देखो, डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कुल मिला के जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है? जी डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है? एफ डैश टी। तो ये मेरा क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करूँगा तो डी टी से डी टी कट, कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? डी वाई बाई डी एक्स के। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? जी डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है? एफ डैश टी। ये जो कटने वाला है वो सिर्फ मन में सोचवाया है तुम्हें कि अगर इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है? जी डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है? एफ डैश टी। तो इतनी जो भी अभी बताई है मैंने कहानी, उसकी समरी क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करना है तो तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा कि एक्स किसी और वेरिएबल की फॉर्म में है, वाई किसी और वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। वो जो वेरिएबल वो दोनों सेम है, यानी एक्स किसी वेरिएबल पर डिपेंड है, उसी पर ही वाई डिपेंडेंट है। तो इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। दोनों किसी और वेरिएबल की फॉर्म में है तो समझ जाना ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, प्राचलिक रूप में अवकलज का क्वेश्चन है। उसको क्या करेंगे? एक्स जिस वेरिएबल में है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई जिस वेरिएबल में है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स डी टी का खाली डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। छोटी सी बात ये है। अब छोटा सा क्वेश्चन देख लो, ये बस समझाने में एक और हल्का सा टाइम लगा, क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा, देखते रहना। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल 34 क्या कह रहा है? देखो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। कह रहा है एक्स इक्वल टू कितना है? ए कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू कितना है? ए साइन थीटा। यही है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा दे रखा है। कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना। क्वेश्चन को देख के पहचानो, एक्स किस वेरिएबल में? एक्स थीटा, थीटा की फॉर्म में, ठीक है, वाई भी थीटा की फॉर्म में। एक्स और वाई एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, किसी तीसरे पैरामीटर, किसी तीसरे प्राचल द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। तो एक्स थीटा की फॉर्म में है ना, तो एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो थीटा की फॉर्म में होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स थीटा के रूप में है तो एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा डी एक्स बाई डी थीटा। बोलो, ए कॉस थीटा का अवकलन क्या होगा था? माइनस का साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन वन दे दो इसको, समझ गए? डी थीटा बाई डी एक्स नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस एक्स होता तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस का साइन थीटा। वैसे डी वाई अपॉन क्या करेंगे? डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो ए साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होता है? वन। वैसे कॉस का माइनस साइन, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में वन। इक्वेशन टू। तो यही तो मैंने सिखाया था पीछे कंसेप्ट में कि एक्स अगर किसी टी का फंक्शन है तो हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे और वो आएगा एफ डैश टी। तो ये देखो, एक्स अगर थीटा के रूप में है तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया, ये क्या आया है? एफ डैश थीटा, ठीक है क्या? वैसे ही वाई डी वाई बाई डी टी निकालते थे और एफ डैश टी, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा निकाला ए कॉस थीटा। चलो, अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना। तो देखो, अगर डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड कर दूँ, डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड कर दूँ, तो डी थीटा से डी थीटा तो कट हो जाएगा, क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ही तो आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आया है वो क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा।
और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए माइनस का ए साइन थीटा, ए से ए कट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, माइनस का ए से तो ए कट गया, कॉस अपॉन साइन कितना कॉट थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, माइनस का कॉट थीटा। बात आई समझ में? ये है पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन, कुछ भी नहीं किया, एक्स थीटा के फॉर्म में, वाई थीटा के फॉर्म में, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका इसमें डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कह रहा है यदि x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, तो dy बाई डी एक्स याद करो, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो करते हैं। ये जो अभी अपन ने किया था वो क्या था, एग्जाम्पल 34, अब जो करने वाले हैं वो क्या है, एग्जाम्पल 35। एग्जाम्पल 35 कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर, कह रहा है x क्या है 80 स्क्वायर, y कितना है 280, y कितना है 280, सही है, x t के फॉर्म में है, y भी t की फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म दिख रही है ना, चलो तो x किसकी फॉर्म में, t की, a तो देखो कांस्टेंट है, ठीक है ना, x एक्चुअली t की फॉर्म में, तो dx एक्स बाई डी टी, ए तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या होता है 2t, फिर t का t के रेस्पेक्ट में 1, चलो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, y का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा 280, का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2a, डिफरेंशिएशन ऑफ 280, 2a कांस्टेंट है बाहर लो, तो 2a dt बाई dt, dt से dt गया, आंसर क्या आएगा 2a, सही है, कुल मिला के t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 2a कांस्टेंट बड़ा है, इक्वेशन ये 2 दे दो और ये इक्वेशन 1 दे दो, क्या करना है इसमें इसका डिवाइड करना है, तो dy अपॉन dt में अगर dx बाई dt का डिवाइड कर देता हूँ तो dt से dt कटेगा तो क्या आएगा dy बाई dx ही आएगा, तो dy बाई dx आएगा, तो dy बाई dx आएगा कितना, dy बाई dt कितना है 2a अपॉन dx बाई dt कितना है 280, 2a से 2a काट दूं क्या, तो dy अपॉन dx क्या आएगा 1/2a। बात आ रही है क्या समझ में, 1/2 आंसर आ गया, कुछ गलत आया, अच्छा 1/2 नहीं आएगा, सॉरी 2a से 2a तो कट गया 1/t, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा 1/t, आंसर आ गया, dy by dx क्या होगा 1/t। नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल 35 हो गया, एग्जाम्पल 36 करेंगे अभी, एग्जाम्पल 36 देखो, सब इजी है, देख लो जो भी करवा रहा हूँ इजी है। एग्जाम्पल 36 क्या कह रहा है, यदि x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए, फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, x इक्वल टू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कह रहा dy बाई dx निकालो, हमें तो पता है ना x थीटा की फॉर्म में है और y थीटा की फॉर्म में है, तो dx बाई d थीटा क्या आएगा, x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें दिखता है a तो कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, ठीक है क्या, अगर तुम मल्टीप्लाई कराते एक ही फिर करते फिर वापस एक कॉमन लेते आंसर तो सेम आता, वैसे ही डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा होगा ना ये, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा ये आ गया, एक स्टेप ही कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है
डी वाई अपॉन डी थीटा में डिवाइड कर दो किसका, डी एक्स बाई डी थीटा का। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या है, डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ए से ए तो कट गया, तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ये और भी तो सॉल्व हो सकता है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा ये बताओ साइन टू थीटा क्या होता था, फॉर्मूला याद होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा यही होता था। अगर यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पर एक थीटा है, यानी टू थीटा का हाफ है। अगर यहाँ थीटा होगा तो क्या होगा, थीटा बाई टू और थीटा बाई टू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस, जब भी बता रखा है मैंने वन प्लस कॉस थीटा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वन। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पर वन थीटा यानी इसका हाफ, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। प्लस वन से माइनस वन गया तो प्लस वन से माइनस वन चला गया, अब बचा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से ये टू गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो एक साइन थीटा बाई टू अपॉन वन कॉस थीटा बाई टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, टेन थीटा बाई टू, ये आ रहा है आंसर, ये आ रहा है टेन थीटा बाई टू। ये अपना एग्जाम्पल 36, लास्ट एग्जाम्पल। इसी के साथ पैरामेट्रिक फॉर्म में जो डिफरेंशिएशन है वो फिनिश है। 5.6 कंप्लीट ट्राई करना, उसके बाद मैं तो सॉल्यूशन दूंगा ही, ठीक है ना। तो करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वो है एग्जाम्पल 37। जो एग्जाम्पल 37 है उसको दो तरीके से बताऊंगा मैं, पहला जो अपन पढ़ के आए हैं जो अपन ने सीखा है, और दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म से पता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 37, एग्जाम्पल 37 क्या है, x की पावर 2/3। चलो बोले क्वेश्चन पढ़ लो। एग्जाम्पल 37 क्या कह रहा है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। तो dy बाई dx याद करना है, इतना ही तो है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। अब कह रहे हैं इसका dy अपॉन dx बताना है, मेरी बात सुनो, ये पैरामेट्रिक फॉर्म के एग्जाम्पल में है तो पैरामेट्रिक फॉर्म से करना बनता है, करेंगे। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में करने के लिए x किसी वेरिएबल में होना चाहिए, y किसी वेरिएबल में होना चाहिए, x t में तो y भी t में, x थीटा में तो y भी थीटा में, ये है क्या, नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में करने के लिए। लेकिन अभी तक जो अपन पढ़ के आए हैं 5.5 तक, उससे एक बार करके देखते हैं इसको, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं, क्योंकि हमें तो डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है ना। तो पूरी इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन वन है, पूरी इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, पूरी इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं, करो, x की पावर 2/3 का 2/3 x की पावर 2/3 माइनस वन, प्लस y की पावर 2/3 का 2/3 y की पावर 2/3 माइनस वन, फिर y का डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जीरो। लाइन निकलोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, y की पावर n तो n y की पावर n माइनस वन, फिर y का डी वाई वाई डी एक्स और कॉन्स्टेंट का जीरो। हम मुझे तो डी वाई वाई डी एक्स ही है, इसको पहले सॉल्व कर लो, 2/3 x की पावर 2/3 माइनस एक कितना, 2-3 माइनस 1/3, चलो प्लस 2/3 ये y की पावर माइनस 1/3 और ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, जीरो। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, मेरी बात सुनिए, प्लस का है उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का 2/3 x की पावर माइनस का 1/3 अपॉन, ये dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2/3 y की पावर माइनस 1/3, 2/3 से 2/3 गया, y की पावर माइनस 1/3 ऊपर आएगा तो y की पावर प्लस 1/3, x की पावर माइनस 1/3 नीचे जाएगा तो x की पावर प्लस का 1/3 इक्वल टू में क्या है, dy अपॉन dx, सही है, और ये माइनस और बड़ा है,
तो जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया अल्टीमेटली माइनस वाई अपॉन एक्स, और पूरे की पावर कितनी 1/3, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं वाई बाई एक्स की टोटल पावर 1/3, क्या दिक्कत है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 टोटल पावर 1/3 है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल, क्यूब रूट, तो पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ये तुम्हारा आंसर है। बिना पैरामेट्रिक फॉर्म ही कर दिया, लेकिन अब पैरामेट्रिक फॉर्म से करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म से करने के लिए फिर से वही बात डिस्कस करता हूँ, अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से करना है तो x को और y को किसी दूसरे वेरिएबल में बताना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कि यार एक बात बताओ, अगर यहाँ पर a नहीं होता, a नहीं होता ठीक है, और ये पावर 1/3 नहीं होती, तो क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही जगह 1 होता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी x कुछ कॉस में और y कुछ साइन में मान सकते हैं, लेकिन a फंस रहा है। तो अगर मैं ये मान लूँ x की वैल्यू a कॉस क्यूब थीटा, a कॉस क्यूब थीटा क्यों मान रहा हूँ, अगर x की जगह कॉस क्यूब रखूँगा तो क्यूब से ये 3 कटेगा और बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, और a की पावर 2/3 और बनेगी, ठीक है। अगर मैं y ये मान लेता हूँ a साइन क्यूब थीटा, तो y की जगह ये रखूँगा तो a की पावर 2/3 बनेगा और साइन क्यूब से ये 1/3 कटेगा तो साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी a की पावर 2/3, यहाँ पर भी a की पावर 2/3, यहाँ पर भी a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे पता है, देखो ध्यान से, x की वैल्यू a कॉस क्यूब थीटा रखा, a कॉस क्यूब थीटा और इसकी पावर कितनी है 2/3, y की वैल्यू क्या रखी a साइन क्यूब थीटा उसकी पावर कितनी है 2/3 बराबर a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 क्यूब से ये कटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 साइन क्यूब से ये कटा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 से a की पावर 2/3 कट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये अपन ने सही माने हैं, क्यों, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो क्या, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो अपन ने मानी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट होगा, ये तो बस अंडरस्टैंडिंग बना रहा था कि x और y की वैल्यू क्या ले, कि x भी थीटा की फॉर्म में है y भी थीटा की फॉर्म में, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं थीटा के द्वारा, ठीक है। तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करूँ, डी एक्स बाई डी थीटा कर दूँ ना, बोलो क्या होगा, a कॉस क्यूब का, a तो कॉन्स्टेंट है, कॉस क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस में आगे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस का। y का थीटा के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी थीटा, a साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का 1। अगर ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा इसका मतलब पहले वाले चैप्टर वीक है, इसको वापस समझा रहा हूँ डिटेल में समझ लो। x बराबर a कॉस क्यूब थीटा माना है, ठीक है, और y बराबर a साइन क्यूब थीटा माना है। x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, a तो कांस्टेंट है पड़ा है, कॉस क्यूब का क्या होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इधर आओ a तो कांस्टेंट है, साइन क्यूब का 3 उतर के आगे 3 में से एक कम तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना कॉस थीटा, अब आया समझ में, ठीक है। अगर मैं डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का क्या कर दूं डिवाइड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया डी वाई बाई डी थीटा, तो 3 ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस का 3 ए, माइनस का 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा
साइन थीटा, ठीक है, प्लस थ्री ए से थ्री ए गया, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस का साइन बाई कॉस टेन थीटा। अब मेरी बात सुनो, ये आंसर तो सही है लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में तो अपन ने माना है ना, तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा, तो टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो मेरी बात सुनो, अगर वाई में एक्स का डिवाइड कर दूँ, ध्यान से देखना, तो मुझे टेन दिख रहा है, साइन बाई कॉस टेन, यानी कि अगर वाई में एक्स का डिवाइड कर देता हूँ तो वाई क्या है, ए साइन क्यूब थीटा अपॉन एक्स कितना है, ए कॉस क्यूब थीटा, ए से ए कट गया तो वाई बाई एक्स इक्वल टू साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, कितना क्यूब, टेन क्यूब थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा टेन क्यूब थीटा। तो टेन क्यूब थीटा की वैल्यू है वाई बाई एक्स, मुझे ये बता दो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आएगी, क्यूब है उधर गया तो पावर कितनी, वन बाई थ्री, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई वाई बाई एक्स की पावर वन बाई थ्री, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का वाई बाई एक्स की पावर वन बाई थ्री। ये तो अपन ने पहले भी निकाला था ना, सिंपल इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके अपन ने ये निकाला था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस का वाई अपन एक्स की पावर वन बाई थ्री, या फिर माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स। ये था एग्जाम्पल 37 की दोनों फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और सिंपल, जो अपन सीख के आए हैं। इसमें तुम लोगों ने सीखा क्या है, ये पैरामीटर मानना, ये मानना क्या थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। अगर 11th ढंग से पढ़ रखी है ना तो तुम सोच पाओगे ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ठीक है तो भी सोच ही पाओगे भाई, एक्स की वैल्यू क्या रखे, वाई की वैल्यू क्या रखे, क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो गिने चुने दो चार क्वेश्चन है जिसे मानना पड़ता है, ठीक है ना, और वही आते हैं। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में माने मैंने, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये थीटा की फॉर्म में था, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएशन, फिर डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड किया, कट कुटा गए, माइनस टेन आया, दिमाग में आया कि यार वाई में एक्स का डिवाइड दूँ तो टेन आ जाएगा, टेन थीटा है वाई बाई एक्स की पावर वन बाई थ्री, वो पुट कर दी, घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल 37 लास्ट था, 5.6 तुम लोगों को कंप्लीट होमवर्क करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू।